गाइस कैसे आप सब। मैं आपका अपना राहुल भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ के लोचा पे एक बार फिर स्वागत है भाई। मैं आज एक ओयो रूम में आया हुआ हूँ और आज इस रूम में भाई मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, दो तीन ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि भाई आप रूम में ना हिडन कैमरा चेक कर सकते हो भाई, कि क्या इस रूम में, जो ये पूरा रूम है, क्या इस रूम में कहीं पे हिडन कैमरा सेट कर रखा है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं भाई जिसे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर खासकर आप कपल जा रहे हैं किसी रूम में, आप कपल हैं और रूम बुक करते हैं, तो भाई इस चीज़ को लेके बहुत सतर्क रहना चाहिए आपको। तो चलिए भाई एक बार क्या करते हैं, सारी लाइटें मैं अभी ऑफ करूँगा, गेट बंद करूँगा, दोबारा से एक बार एंट्री मारेंगे और जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं उसे शुरू से स्टार्ट करते हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो है हमने लाइट ऑन कर ली है भाई रूम में, जो है सबसे पहले घुसते ही आपको घुसते क्या करना भाई, फोन दिखाना। सबसे पहले भाई आपको अपने फोन के करने हैं नेटवर्क चेक। आप जिस तरीके से भाई देख रहे हैं ना एयरटेल और वोडाफोन, अगर आपके मोबाइल का नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है या किसी को कॉल नहीं मिल रही है, तो भाई 100% श्योर हो जाना कि आपके रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है वो नेटवर्क में इशू करने लग जाता है, आपकी कॉल नहीं मिलेगी, नेटवर्क आएगा जाएगा, आप सही तरीके से किसी को भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है भाई सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बता दिया। और भाई दूसरी ट्रिक आपको बता देता हूँ, जब भी आप भाई रूम में घुसेंगे ना, तो ये देखिए जितनी भी लाइटें जल रही हैं इन लाइटों को सबसे पहले क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। कि भाई एक चीज़ क्या होती है, जैसे आप भाई ये देखो मेरे पास ना ये टीवी का रिमोट है, ठीक है, ये टीवी का रिमोट है। आप देखिए जहाँ भी कहीं भी कैमरा लगा होता है ना, जो भी कैमरे का सेंसर होता है, तो देखिए जब भी वो कैमरा ऑन होगा ना, तो देखिए इस तरीके की लाइट ब्लिंक करेगा। और आप इसको भाई नंगी आंखों से देखोगे तो ये देखो भाई आपको नंगी आंखों से रेड जो ग्रीन लाइट जल रही है, बट देखिए कैमरा जो है इसको डिटेक्ट कर रहा है। देखिए जब भी मैं बटन दबा रहा हूँ तो जो कैमरा इसको डिटेक्ट कर रहा है, तो जहाँ भी हिडन कैमरे लगे रहते हैं ना, तो इस तरीके की लाइट ब्लिंक करती है। तो सबसे पहले क्या करना भाई, रूम में अंधेरा करते हैं भाई, अंधेरा करो एक बार रूम में। तो देखिए अब रूम में अंधेरा होने के बाद अब आप देखिए भाई पूरा रूम में, देखिए मैं एक बार फ़ोन घुमा रहा हूँ, देखिए जो थोड़ी बहुत पीछे से रोशनी आ रही है इस तरीके का। देखिए ये देखिए जो भी डोर है, ये देखिए जैसे यहाँ पे दरवाज़ा है, खासकर डोर और जो अलमारी होती है, ये देखिए इस तरीके की कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। देखिए मेरे हाथ में रिमोट था और अगर कहीं कैमरा लगा होगा तो ये देखिए दूर से ही देखिए, ये देखिए रिमोट की लाइट इस तरीके से ब्लिंक करेगी। इसका मतलब समझ जाना भाई रूम में 100% कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी फ़िलहाल ऐसा कहीं भी कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो ये थी भाई दूसरी ट्रिक। अब तीसरी ट्रिक आपको बताता हूँ भाई, लाइट जलाओ एक बार। जो भी रूम में मिरर लगे होते हैं ना, आप एक बार ना मिरर पे इस तरीके से ना अपना हाथ ऐसे करके लेके जाना। अगर आपकी जो हाथ की जो परछाई बन रही है या आपका जो भी पूरी बॉडी जो शीशे में परछाई आ रही है, अगर वो कहीं से भी ब्रेक हो रही है, मतलब उसका कहीं परछाई नहीं बन रही है इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो समझ जाना। तो देखा भाई आप लोगों ने, मैंने आपको ये तीन बेसिक सी चीज़ें बताई। अगर आप ओयो का रूम या होटल रूम कहीं भी बुक करते हैं और खासकर अगर आप कपल है, तो भाई ये तीन बेसिक चीज़ें ज़रूर देखना, मोबाइल में नेटवर्क क्या ब्रेक हो रहा है या अंधेरा करके एक बार इस तरीके की कोई सेंसर है, लाइट डिटेक्ट कहीं हो रही है, ग्रीन या रेड लाइट कहीं पर जल रही है, तो भाई समझ जाए रूम में कैमरा लगा है। बेसिक सी है, इन तीनों चीज़ों को भाई चेक करने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, फटाफट से रूम चेक करके उसके बाद आप सेफ एंड सिक्योर जो है भाई होटल के रूम में स्टे कर सकते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें।